चलो ध्यान दे, बनेगा रे, इजी क्वेश्चन है, बनेगा। हम लोग क्या पढ़ रहे, क्लास 11th का पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी में पढ़ रहे थे चैप्टर 3, जिसका नाम था ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन, हिंदी में बोले तो त्रिकोणमितीय प्रश्नावली 3.3 पढ़ रहे थे ना, उसने पार्ट 1 अपलोड कर दिया, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक बता दिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 25 यानी पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। उससे पहले तुम लोग सूत्र निकाल लिए, सूत्र वाला एक वीडियो अपलोड कर दिए, ठीक है ना, 25 मिनट का वीडियो है, कैसे याद करना है उसको पूरा अच्छा बता के हम अपलोड कर दिए, जो नहीं देखा वो देख सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान दे, आज हमको क्वेश्चन नंबर 17 से 25 तक देखना है, 17 से 25 तक देखना है, ठीक है। चलो बनेगा क्वेश्चन, चलिए बता, सूत्र तुम लोग निकाला, सूत्र निकालने पगली। चलिए यहाँ ध्यान दे, चलिए यहाँ बता कौन सूत्र लगेगा, यहाँ पर कौन सूत्र लगेगा, पर हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्या लेते हैं, साइन फाइव एक्स प्लस साइन 3x कोस 5x प्लस कोस x, तो यहाँ तो ऐसे पता चल रहा है, कोई भी बना देगा सूत्र, देखेगा बना देगा, नहीं बना देगा, यहाँ पर कौन सूत्र लगेगा, तो यहाँ पर लगेगा साइन a प्लस साइन b, यहाँ कोस a प्लस कोस b, तो चलो सूत्र देखते हैं, सूत्र नाम याद होना चाहिए, सूत्र नाम सामने रखो, तो क्या होगा, सूत्र होगा साइन a प्लस साइन b बराबर, सूत्र क्या होता है, होता है 2 sin ए प्लस बी बाय 2 इंटू कोस ए माइनस बी बाय 2, यही होता है, सूत्र हम सामने रहना चाहिए, ये तो हो गया, अब इसका सूत्र लगाते हैं, तो कोस ए इंटू कोस बी, तो कोस ए प्लस कोस बी, कोस ए प्लस, तो कोस ए प्लस कोस बी बराबर क्या होता है, जल्दी बता दे, तो होता है 2 cos, सूत्र तुम्हें निकाल रखे रख लिया, 2 cos ए प्लस बी बाय 2 इंटू कोस ए माइनस बी बाय 2, ये होता है, सूत्र याद होगा, फटाफट ना बन जाएगा, खाली से बैठा बन गया, बैठा दे, चल यहाँ ध्यान दे, तो बैठा रहे हैं क्या हम, पहले पहला वाला बैठेगा, ऊपर वाला बैठेगा इस पर, और नीचे वाला बैठेगा इस पर, चलो बैठा, 2 sin साइन ए प्लस बी यानी 5x प्लस 3x बटा 2 का बटा 2, कोस का कोस ए माइनस बी यानी 5x माइनस 3x, 5x माइनस और बटा 2 का बटा 2, भले खुला नहीं मिला, चलिए ध्यान दे, अब नीचे में कौन लगाना है, तीसरे पर लगाना है, चल लगा 2 cos का कोस ए प्लस बी 5x प्लस 6x, 5x प्लस 8x है ना, 3x है, तो यहाँ कर दिया 3x, क्वेश्चन में 3x है ना, तो चलो 3x है, तो 5x प्लस 3x बटा 2 का बटा 2, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कोस देने, तो चलो कोस दिए, फिर बोल रहा है ए माइनस बी, तो यानी 5x माइनस 3x बटा 2 का बटा 2 कर दिया ना, अब इसको खाली सॉल्व करना है, बस बन गया 2 का 2, साइन का साइन 5x प्लस 3x 8x, 8x में 2 से भागा दो कितना 4x, कोस का कोस 5x में 3x घटा दो कितना 2x, 2x में 2 से भागा दो तो 1x, एक एक नेक्स बचेगा 2 का 2, न तो 2 काटेगा तो काट सकता है यहीं पर, खलास ना हो गया तो 2 समाप्त हो जाएगा, 2 मिटा दिए ना, कोस का कोस 5x प्लस 3x 8x, 8 में 2 से भागा दे कितना 4x ना होगा, कोस का कोस 5x में 3x कटा 2x, 2x में 2 से भागा देते 1x हो गया, और जो कट रहा है उसको कट काट दे, कौन कौन कट रहा है, कोई कट रहा है क्या, यहाँ यहाँ कोस 4x, यहाँ पर क्या है, यहाँ क्या है कोस 4x, देखो ये कट रहा है कोस x और कोस x कट गया ना, यहाँ कोस 4x है, यहाँ साइन 4x नहीं कटेगा, इन्हें कहीं काट देना नहीं कटेगा, तो यहाँ पर मेरा बच गया क्या, यहाँ पर मेरा बच गया साइन 4x कोस 4x, तो साइन बटा कोस क्या होता है 10, क्या होता है तो 10 4x हो गया, राइट हैंड साइड आ गया, तो यही हो गया क्या, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया, समझा, उसी प्रकार ये वो बनेगा, ये तो डायरेक्ट सूत्र पे पर है ना, सूत्र पर ये हो ना, ये भी ये वाला भी ना है तो सूत्र पर बना दो, ये भी सेम टू सेम बनेगा, तो क्या करेंगे, यहाँ लगाना है साइन ए माइनस साइन बी वाला सूत्र लगाएंगे, पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, पहले क्या लिख रहा है इसको थोड़ा इंक कर दो, लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं, क्या लिख रहा है लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड मेरा है साइन एक्स माइनस साइन वाई बटा कोस एक्स प्लस कोस वाई, यही है ना सूत्र, तुम लोग को याद है, सूत्र निकाल के सामने रख, सूत्र निकाल के तुम लोग सामने रख, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूत्र हम पहले लिख देते हैं, सूत्र तुम लोग को भी लिखना है कि याद हो, ठीक है ना, ऐसे भूल जाएगा, तो सूत्र लिख रहे हैं, तो हम जानते हैं कि साइन ए माइनस साइन बी, क्योंकि ऊपर में है ना, यहाँ माइनस है ना, तो साइन ए साइन बी लगा देंगे, तो साइन ए माइनस साइन बी बराबर क्या होता है, तो साइन ए माइनस साइन बी बराबर होता है, होता है 2 cos a + b/2 इंटू साइन ए माइनस बी बाय 2, सूत्र नाम याद होना चाहिए, होता है यही, ऊपर में तो माइनस लग गया, नीचे क्या लगेगा, तो नीचे लगेगा कोस ए प्लस कोस बी लगेगा, तो देखते हैं कोस ए प्लस कोस बी बराबर क्या होता है, तो कोस ए प्लस कोस बी बराबर, अभी देखो यहाँ भी लिखे हैं ना,
तो यही होगा, क्या होगा, तो होगा 2 कोस ए प्लस बी बाय टू इंटू कोस ए माइनस बी बाय टू। हम सूत्र इसलिए लिख रहे हैं बार बार कि तुम लोग को याद हो गया ना। अब चलो इस पर बैठा देते हैं, तो ऊपर वाला बैठाते हैं इस पर, नीचे वाला बैठाते हैं इस पर, चलो बैठाओ। तो 2 का 2 कोस का कोस ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई एक्स प्लस और 2 का 2 साइन का साइन ए माइनस बी यानी एक्स माइनस वाई बटा टू का बटा टू, यही होगा ना। और नीचे वाला इस पर तो बटा टू का टू कोस का कोस ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई बटा टू का बटा टू, फिर कोस का ए माइनस बी यानी एक्स माइनस वाई बटा टू का बटा टू, सब इतना ही जी है, दुख से दो खत्म हो गया। कोस एक्स प्लस वाई बटा टू कोस एक्स प्लस वाई बटा टू खत्म हो गया। यहाँ देखिए नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो ऊपर हो गया साइन नीचे हो गया कोस और दोनों सेम टू सेम मिल रहा है, मिल रहा है ना, ना मिल रहा है तो साइन बटा कोस हो जाएगा ना होगा, तो ऊपर हो गया साइन एक्स माइनस वाई बाय टू और नीचे हो गया कोस एक्स माइनस वाई बाय टू। देखो ये कौन कमाल मिल गया ना, इसको थीटा बोलेंगे, थीटा मिल गया ना, तो साइन बटा कोस क्या होता है टेन, क्या होता है टेन, और एक्स माइनस वाई का एक्स माइनस वाई टू का टू, यही लाना था हमको। तो राइट हैंड साइड आ गया ना, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव हो गया, समझा तुम लोग, काफ़ी जी जी साहब, वो भी बन जाएगा उसी तरह सूत्र पेपर बैठा दो, बन गया ना हो जाएगा। चल बैठा, ये क्या होगा, यहाँ बैठाना है साइन ए प्लस साइन बी, तो हम पहले लिख लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड बेटा क्या है साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स कोस एक्स प्लस कोस एक्स प्लस कोस थ्री एक्स, यही है ना। पहले सूत्र लिखना है, सूत्र हम इसे लिख रहे हैं कि तुम लोग को भी हम लिखना है बार बार की याद होना, तो कन्फ्यूजन बहुत होता है सूत्र में। तो साइन ए प्लस साइन बी बराबर सूत्र क्या होता है, तो साइन ए प्लस साइन बी बराबर सूत्र बता दे, जल्दी बता दे तुम लोग, तो क्या होता है टू साइन ए प्लस बी बाय टू इंटू कोस ए माइनस बी बाय टू। जो उसको सूत्र नहीं याद है वो जाकर देख लेना, 25 मिनट वाला वीडियो है, सूत्र हम बताए थे क्लास, जितना भी सूत्र रहेगा क्लास 11 में बता दिए, और कैसे याद करना वो बता दिए, ठीक है ना। चल यहाँ ध्यान दे, को यहाँ पर क्या लगेगा, कोस ए प्लस कोस भी लगेगा, अरे यही लगेगा, तो कोस ए प्लस कोस बी बराबर क्या होता है जल्दी बता दे, तो टू कोस ए प्लस बी बाय टू इंटू कोस ए माइनस बी बाय टू, यही होता है ना। ये चार को सूत्र हम याद रख कर लेना, क्योंकि देखो पूरा मैथ में ये सूत्र वक्त यूज हो रहा है ना, चार सूत्र में पूरा यूज वही हो रहा है। तो ऊपर लगेगा, देखिए यहाँ पर ऊपर में लग जाएगा ये वाला और नीचे में लग जाएगा ये सूत्र, लग जाएगा ना, चलो लगा देते हैं। तो टू का साइन का साइन ए प्लस बी यानी एक्स प्लस थ्री एक्स एक्स प्लस थ्री एक्स और टू का कोस ए माइनस बी यानी एक्स माइनस थ्री एक्स एक्स माइनस थ्री एक्स बटा टू का टू, यही होगा ना, बटा टू का टू, नहीं करेंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत ना है। और नीचे नीचे क्या है, नीचे में नीचे भी सूत्र लगेगा, तो टू का टू कोस का कोस ए प्लस बी यानी एक्स प्लस थ्री एक्स एक्स प्लस और टू का टू कोस का कोस ए माइनस बी यानी एक्स माइनस थ्री एक्स एक्स माइनस बटा टू का टू, हो गया। आप खाली काट इसको, दो से दो खत्म हो गया। अब यहाँ ध्यान दे, और कुछ कट रहा है क्या, पहले आप पहले सॉल्व कर दे थोड़ा, साइन का साइन साइन का एक्स और तीन एक्स चार को एक्स चार एक्स में दो से भागा दे दो कितना एक्स टू एक्स, कोस का कोस एक्स में तीन को एक्स हटा दे कितना एक्स तो माइनस में दो गो एक्स और दो दो एक्स में हम दो से भागा देंगे तो हो जाएगा ए गो एक्स तो माइनस में ए गो एक्स, यही होगा ना, ना होगा माइनस आई इसलिए घेर दिए। यहाँ देख कोस का कोस तीन गो एक्स ए गो एक्स चार गो एक्स चार एक्स में दो से भागा दे कितना टू एक्स हो गया, कोस का कोस तीन एक्स में ए गो एक्स हट जाएगा बचेगा माइनस में दो गो एक्स, फिर नीचे हम दो है दो से भागा देंगे तो हो जाएगा माइनस में एक्स ना होगा। हम जानते हैं कि कोस जो है माइनस को खा जाता है, बताया ना, तो अगर ना खा जाता तो देखिए यानी सेम टू सेम मिल रहा है काट देना समझ आ रहा है, तो पहले खाने से पहले काट काट सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि कोस जो है कोस माइनस एक्स बराबर कोस एक्स होता है, क्या होता है कोस माइनस एक्स बराबर कोस एक्स और सेक माइनस एक्स बराबर सेक एक्स, और बाकी बात सब में चाहे साइन में रहे या टेन में रहे या कोट में रहे या कोसेक में रहे माइनस रहेगा तो माइनस पे आगे लिखा जाता है, जैसे साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स कोट माइनस एक्स बराबर माइनस कोट एक्स टेन माइनस एक्स बराबर माइनस टेन एक्स कोसेक माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक एक्स, लेकिन कोस माइनस एक्स बराबर कोस एक्स सेक माइनस एक्स बराबर सेक एक्स, बताए थे ना। और कैसे खाता है भी बता दिए तुम लोग, बताए थे ना इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में, या प्रश्नावली तुम लोग 3.2 देखो उसमें भी समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या जाएगा साइन टू एक्स का साइन टू एक्स कोस माइनस एक्स बराबर कोस एक्स
और कोस टू एक्स बराबर कोस टू एक्स और कोस माइनस एक्स बराबर कोस एक्स क्यों लिखे थे, क्योंकि चूंकि हम जानते हैं कि कोस माइनस एक्स बराबर क्या होता है कोस एक्स, क्या होता है कोस एक्स, इसलिए हम लिख दिए कोस एक्स क्या हुआ खत्म, क्या हुआ तो क्या बचा मेरा, मेरा बचा ऊपर साइन एक्स, नीचे बचा कोस टू एक्स, साइन बटा कोस थीटा, थीटा मिल रहा है, थीटा का मान मिल रहा है, कौन का मान मिल रहा है ना, तो कोस बटा अति साइन बटा कोस क्या होगा टेन आर टू एक्स का टी एक्स टू एक्स एन लाना है, यानी राइट हैंड साइड आ गया ना, तो मेरा क्या हो गया, मेरा हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया, क्या हुआ ये सब छापना है क्या बता, तीनों तो सेम टू सेम था नहीं था, कैसे सूत्र याद होना चाहिए, थोड़ा स्क्रीन शॉट ले सकता है, चल ध्यान दे अब क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 ठीक है ना, चल 21 ध्यान दे, 20 ध्यान दे, 20 में देखो ऊपर में सूत्र हो रहा है साइन ए माइनस साइन बी हो रहा है ना, पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड के लिख दो क्या है मेरा साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ले लिए ऊपर मेरा सूत्र बन रहा है साइन ए माइनस साइन बी बन रहा है ना, नीचे में सूत्र बनेगा कब तो हम अभी थोड़ा बताएंगे नीचे क्या करना है, ऊपर पहले देखते ऊपर मेरा सूत्र कौन सा बन रहा है, ऊपर सूत्र मेरा बन रहा है कौन, तो बन रहा है मेरा ऊपर सूत्र, सूत्र लिख रहे हैं यहाँ पर ठीक है ना, सूत्र बन रहा है साइन ए माइनस साइन बी, तो बताओ साइन ए माइनस साइन बी बराबर क्या होता है टू कोस ए प्लस बी बाय टू साइन ए माइनस बी बाय टू, यही होता है ना, अरे यही होता है ना, लेकिन नीचे में सूत्र अगर स्क्वायर नहीं रहता तो सूत्र बन जाता, और तुम लोग यहाँ नहीं बोलते कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स बराबर वन होता है, वन ना होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर वन होता है, तुम लोग यही करता हम समझ गए, यार साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है वन, माइनस बराबर थोड़े वन होता है, होता है कि, तो चल यहाँ ध्यान दे, तो यानी यहाँ नीचे क्या करना है बताएंगे हम तुरंत, ए तो नीचे सूत्र अभी नहीं बन रहा है मेरा, तो ऊपर बन रहा है, ऊपर पहले इलाज कर दे, ऊपर क्या करते हैं इलाज, तो ऊपर का इलाज तो ऊपर में सूत्र लगा दे, तो टू का टू कोस का ए प्लस बी यानी एक्स प्लस थ्री एक्स, एक्स प्लस थ्री एक्स बटा टू का बटा टू साइन का साइन ए माइनस बी यानी एक्स माइनस थ्री एक्स, एक्स माइनस और बटा टू का बटा टू, और नीचे देख नीचे क्या करना है यहाँ ध्यान दे, तुम लोग एक सूत्र लिखाए थे याद आ रहा है, तो देख तुम लोग सूत्र हम क्या लिखाए थे यहाँ लिख देते हैं, या तुम लोग को सूत्र लिखाए थे हम कोस यहाँ ध्यान दे कोस टू एक्स बराबर कोस टू एक्स, कोस टू एक्स बराबर तुम लोग को चार सूत्र लिखाए थे, पहला सूत्र लिखाए थे तुम लोग को हम कोस टू एक्स बराबर कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखाए थे, देख लिखाए थे नहीं लिखाए थे, तो ये पहला सूत्र हम यही तुम लोग को लिखवाए थे ठीक है, तो देख यहाँ पर ये लग जाएगा कैसे लगेगा, तो यहाँ ध्यान दे यहाँ पर देख माइनस में कोस है लेकिन यहाँ कोस क्या है प्लस में, अरे कोस स्क्वायर यहाँ माइनस में है कोस स्क्वायर, यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस में लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर, यानी माइनस को अगर हम कॉमन ले लेंगे माइनस को क्या ले लेंगे कॉमन, माइनस को बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन यहाँ प्लस में है तो साइन माइनस में हो जाएगा, और कोस है प्लस माइनस में तो कोस हो जाएगा प्लस में, सूत्र बना बन जाएगा, तो हम यहाँ लेते हैं माइनस कॉमन ले माइनस क्या लेते हैं, जैसे कॉमन लेंगे माइनस तो ये कोस प्लस माइनस में कोस क्या जाएगा प्लस में, क्या जाएगा तो प्लस लगा पहले लिख देंगे कोई दिक्कत, और साइन था क्या प्लस में, साइन क्या था तो अभी क्या हो जाएगा माइनस में, क्या जाएगा माइनस में, समझ तुम लोग आया, अभी सूत्र बन गया कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कोस टू एक्स होगा, लिख देंगे चल यहाँ ध्यान दे, तो यहाँ ध्यान दे टू का टू कोस का कोस तीन एक्स आर एगो एक्स चार एक्स चार एक्स दूसरे भागा दे कितना एक्स टू एक्स साइन का साइन एक्स में तीन गो एक्स हटा दे तो माइनस में दो गो एक्स और दो एक्स में दूसरे भागा देंगे तो एगो एक्स और माइनस से में ना होगा होगा, आज यहाँ ध्यान दे कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना कोस टू एक्स लिख सकते हैं और माइनस का माइनस, अभी तुम लोग जानता है कि साइन माइनस एक्स बराबर क्या होता है साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स होता है ना, तो यहाँ लिख दे टू का टू कोस टू एक्स का कोस टू एक्स और साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, और गुणाम ने इसलिए घेर दिए क्या किए घेर दिए और माइनस कोस टू एक्स के माइनस कोस टू एक्स, एक स्टेप और करके माइनस को आगे ले चलाते हैं कोई दिक्कत आगे ले चलाएंगे कोई दिक्कत होगा क्या, तो माइनस कोस टू एक्स साइन एक्स और नीचे में क्या है माइनस कोस टू एक्स, यही है ना, अभी माइनस माइनस क्या हो गया खत्म, कोस टू एक्स से कोस टू एक्स क्या हुआ खत्म, तो क्या आया मेरा मेरा आया टू साइन एक्स, यही लाना है देखा गया मेरा टू साइन एक्स आ गया ना बराबर राइट हैंड साइड आ गया, यानी सिद्ध मेरा हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया, समझा तुम लोग, अब यहाँ ध्यान दे यहाँ तुम लोग थोड़ा ध्यान देना है क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पर तीन गो है कितना है अभी जितना भी हम सूत्र बनाए थे सब में दो दो था ना था साइन ए प्लस साइन बी या साइन ए माइनस साइन बी कोस ए प्लस कोस बी या कोस ए माइनस कोस बी दो गो था ना, तो यहाँ तीन गो है कितना है तो यहाँ पकड़ना है दो गो के क्या पकड़ना है एगो छोड़ देंगे क्या करेंगे बाद में उसका यूज करेंगे समझ आ गया ना, पकड़ना है दो गो के, अब बात आया क्या अब यहाँ ध्यान दे वो जो है ना
पूरे यहाँ परेशानी करता है। चल यहाँ डांड यहाँ एक पूरा हॉर्न बजाता ट्रक हुआ। चल यहाँ डांड तो इसे पकड़ना है, दो को पकड़ना है। अब बात था कि पहले किसको हम पकड़े हैं, ये दोनों पकड़ लें कि ये दोनों पकड़े हैं कि ये दोनों पकड़े हैं, किसको पकड़े हैं। अगर हम शुरू ला दो को पकड़ते थे, देखिए यहाँ पर जैसे करेंगे ए प्लस बी यानी फोर एक्स प्लस थ्री एक्स करेंगे सेवन एक्स, सेवन एक्स से दूसरा लेगा यानी नहीं लेना है। करेंगे फोर एक्स माइनस अथी करेंगे ए माइनस बी यानी फोर एक्स में थ्री एक्स घटाएंगे तो आएगा एगो एक्स, एगो एक्स से फिर दूसरा भागा लगेगा क्योंकि सूत्र में नीचे दो होता है, सूत्र में क्या होता है नीचे दो, यानी ये दोनों लेंगे तो ना होगा, यहाँ भी दोनों लेते ना होगा, होगा नैन होगा, दिक्कत हो रहा है। यानी हमको एक उठो ये ले ले, उठो ये ले ले, फिर ये ले ले, ये ले ले, देखो इसमें सेट खा रहा है फोर एक्स टू एक्स छः एक्स और नीचे हम दो देंगे तो भागा लग जाएगा, लग जाएगा ना फोर एक्स में टू एक्स गया तो टू एक्स नीचे हम दूसरे भागा फिर लग जाएगा, लग जाएगा। यानी ये दोनों के साथ ले, ये दोनों के इसको बोलेंगे तुम साइड लग क्या लग, तो चल यहाँ ध्यान लेफ्ट हैंड साइड पर लिख लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पर लिख कोस फोर एक्स का कोस फोर एक्स, कोस थ्री एक्स का कोस थ्री एक्स, कोस टू एक्स का कोस टू एक्स, यहाँ पर साइन फोर एक्स का साइन फोर एक्स, साइन थ्री एक्स का साइन थ्री थ्री एक्स और साइन टू एक्स का साइन। अब क्या करेंगे, अभी थोड़ा बताया थे ये दोनों साथ ले क्यों लेंगे बता दिए थे ना, कोस फोर एक्स प्लस कोस टू एक्स ले लिए और ये बेचारा ही बच गया, इसको साइड में लास्ट में लिख दिए। अभी साइन फोर एक्स का साइन फोर एक्स और प्लस का साइन टू एक्स का साइन टू एक्स, इसको साइड में बीचा वाला को कर दिए। अब सूत्र लगा दे, यहाँ पर सूत्र लगा और यहाँ पर सूत्र लगा, सूत्र क्या होता है जल्दी बता दे, सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर देख हम कहीं लिख लें ना लिख लें, चलो कोस ए प्लस कोस बी, कोस ए प्लस तो कोस ए प्लस कोस बी बराबर होता है टू कोस ए प्लस बी बाय टू इंटू कोस ए माइनस बी बाय टू, यही होता है ना। और साइन ए प्लस साइन बी बराबर क्या होगा, तो साइन ए प्लस साइन बी बराबर टू साइन ए प्लस बी बाय टू इंटू कोस ए माइनस बी बाय टू, यही होता है ना। बस सूत्र याद होना चाहिए, लगा दो अब, तो ऊपर में लगेगा ये सूत्र और नीचे में लगेगा ये सूत्र, यही लगेगा लगा दे, तो इसमें लगा तो देखिए यहाँ टू का टू कोस का कोस ए प्लस बी यानी फोर एक्स प्लस टू एक्स, फोर एक्स प्लस और टू का टू लिख दिए। अब यहाँ पर कोस का ए माइनस बी यानी फोर एक्स माइनस टू एक्स, फोर एक्स माइनस और टू का नीचे हो गया ना, ऊपर हो गया ना, अब कोस थ्री एक्स बच रहा है तो कोस थ्री एक्स यहाँ पर जोर में लिख दो, लिख दिए। अरे बच रहा था ना, लिख दिए आप नीचे कर, तो नीचे मेरा क्या होगा, नीचे नीचे में लगेगा ये सूत्र लगा टू का टू साइन का साइन ए प्लस बी यानी फोर एक्स प्लस टू एक्स, फोर एक्स प्लस अब बटा टू का बटा टू। अब यहाँ ध्यान दे कोस का कोस ए माइनस बी यानी फोर एक्स माइनस टू एक्स बटा टू का बटा टू, बच रहा है कौन सा प्लस साइन थ्री एक्स, इसको लिख दिए, लिख दिए ना जो बच रहा है उसको लिख दिए। अब देखिए दो से दो खत्म, अब तुम लोगों ने कहना कि ये दो से ये दो ने काट देना, अरे ये कौन है ये क्या है, कौन को थोड़े काटते हैं, कौन को हम नंबर से थोड़े काटते हैं, कौन अपने में कटेगा, लेकिन ये इससे थोड़े कट जाएगा, ये इस प्रकार यहाँ से ये दो ने काट देना, ये कौन है क्या है, तो कौन को नंबर से थोड़े काटते हैं, काटते हैं क्या कि कौन के मान कुछ अलग नहीं आ जाता है। अब ये ध्यान दे, अभी हो गया मेरा क्या, तो मेरा हो रहा है यहाँ पर कोस का को चार दो छः, छः में दो से भागा दे कितना थ्री एक्स, कोस का कोस चार में से दो गया तो कितना दो, दो से दो में भागा देंगे कितना एक यानी एगो एक्स, यही हुआ ना। अब प्लस कोस थ्री एक्स का प्लस कोस थ्री एक्स हो गया। अब नीचे साइन का साइन, अब चार दो छः, छः में दो से भागा दे कितना तो तीन एक्स, कोस का कोस चार में से दो गया दो, दूसरे दो में दूसरे दो में भागा दे एगो यानी एगो एक्स प्लस का और साइन थ्री एक्स का साइन, ऊपर नीचे कुछ कट रहा है देख तो ये दोनों में कहाँ कट रहा है, हाँ कोस एक्स काट दें काट दें, अरे बंदर काटे हैं कैसे, यहाँ पे जोर में है, पूरा गुना में रहता तो नहीं काटते हैं, यहाँ पर जोर है क्या है, अगर यह गुना में रहता तो काट देते क्या करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है जोर में क्या है इसलिए नहीं काटेंगे। तो देखिए आप करेंगे क्या, लाना हमको कोट थ्री एक्स लाना है ना, तो यहाँ से हम कोस थ्री एक्स कॉमन ले लेंगे क्योंकि हम जानते हैं कोट थ्री एक्स बराबर क्या होता है, कोट थ्री एक्स बराबर होता है कोस अथी कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है ना, तो यानी कोट थ्री एक्स बराबर हो जाएगा मेरा कोस थ्री एक्स बटा साइन थ्री एक्स ना होगा, यानी यहाँ से कोस थ्री एक्स कॉमन ले लें क्योंकि यहाँ भी कोस थ्री एक्स है यहाँ भी कोस थ्री एक्स है, कोस थ्री एक्स बाहर चला जाएगा, यहाँ भी साइन थ्री एक्स है यहाँ भी साइन थ्री एक्स है, साइन थ्री एक्स बाहर चला जाएगा तो ये दोनों बाहर रह जाएगा, बाकी वजह से अंदर ब्लॉक कट जाएगा, समझाया तुम लोग को, तो आंसर आ जाएगा समझा तुम लोग, तो वही करेंगे। तो यहाँ लेते हैं हम क्या कोस थ्री एक्स कॉमन, ऊपर क्या लेते हैं कोस थ्री एक्स कॉमन और नीचे लेते हैं साइन थ्री एक्स कॉमन ना हो रहा है, तो चल यहाँ से कोस थ्री एक्स बाहर थे क्या बचा
कॉस एक्स प्लस का, यहाँ से तो पूरे बाहर हो गए तो क्या बचा, एक एक ही बचा कुछ नहीं, तो यहाँ साइन थ्री एक्स बाहर तो क्या बचा, कॉस एक्स हो गया प्लस का साइन थ्री एक्स पूरे बाहर तो क्या बचा, अब देखिए क्या है गुनाम क्या है, यहाँ भी क्या है गुनाम, गुनाम ना है, अब पूरा पूरी कट जाएगा मिल रहा है खल्लास, क्या हुआ तो हो गया मेरा कोस थ्री एक्स बटा साइन थ्री एक्स, हम जानते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या कोट थीटा, तो कोट थीटा यहाँ पर क्या थ्री एक्स हो गया, आ गया आ गया राइट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो हो गया प्रूव हो गया, लिख देना है तुम लोग को क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव ना हो गया। अब देख क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 बनाने दो तरीका है ठीक है ना, पहला तरीका देख पहले हम बताते, पहले लेते लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेते लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड कोट एक्स कोट टू एक्स कोट टू एक्स फिर कोट थ्री एक्स फिर माइनस कोट थ्री एक्स फिर इंटू कोट एक्स, यही है ना, यहाँ देख क्या करना है, यहाँ क्या करना है, यहाँ ध्यान दे, यहाँ रहिए वो कोट एक्स और टू एक्स है नंबर 22 को क्या है इसके बराबर हमको सिद्ध करना है वन, क्या सिद्ध करना है वन सिद्ध करना है, यही करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख दिए, लेफ्ट हैंड साइड को लिख दिए ना, अब यहाँ थोड़ा ध्यान दे यहाँ कॉमन क्या लेना है, यहाँ ध्यान दे यहाँ ध्यान दे यहाँ पर कोट थ्री एक्स है यहाँ भी कोट थ्री एक्स है ना, इससे क्या जाएगा इससे बाहर निकल जाएगा, इससे हमको कोट थ्री एक्स बाहर निकल जाएगा और इससे क्या बाहर निकल जाएगा, ये दोनों गुनाम है क्या बाहर निकल जाएगा कोट थ्री एक्स, क्या निकल जाएगा कोट थ्री एक्स, अब तुम लोग बोला कि यहाँ कोट टू एक्स यहाँ भी है यहाँ भी, तो दोनों से हम कोट टू एक्स कहने बाहर कर लेते हैं तो आगे समझ आएगा कि कोट टू एक्स क्यों नहीं बाहर कर रहे हैं, तो देख यहाँ पर तो हम लेते हैं कोट थ्री एक्स कॉमन, क्या लेते हैं कोट थ्री एक्स, तो कोट एक्स का कोट एक्स कोट टू एक्स का कोट टू एक्स कर दिया ना, और माइनस का माइनस, अब यहाँ तुम ध्यान दो कोट थ्री एक्स को कॉमन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं कोट थ्री एक्स को कॉमन, जैसे कोट थ्री एक्स को कॉमन लेंगे तो बचेगा अंदर क्या कोट टू एक्स, अब कोट टू एक्स प्लस में होगा क्योंकि माइनस तो बाहर कर लिए ना, तो कोट टू एक्स क्या प्लस में, क्या यहाँ से भी कोट थ्री एक्स को बाहर का माइनस ही बाहर हो गया ना, तो ये कैसे बचेगा, बचेगा प्लस में ना, बचेगा बचेगा, अब यहाँ ध्यान दे तुम लोग, अब हम क्या करेंगे इसके बराबर को सूत्र नहीं पढ़े थे तो सेम टू सेम लिख दे, क्योंकि इसके बराबर हमको सूत्र नहीं पढ़े थे, नहीं पढ़े थे रे, अब यहाँ ध्यान दे माइनस का माइनस कोट थ्री एक्स को, थ्री एक्स को हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ भी देखो एक्स टू एक्स है यहाँ भी है एक्स टू एक्स, तो इसको भी तोड़ दे एक्स टू एक्स में, कैसे तोड़ देंगे एक्स टू एक्स में, समझ आया तुम लोग को कि हम थ्री एक्स कॉमन का लिए, क्योंकि हम जा रहे थे थ्री एक्स आगे जाके क्या होगा फिर एक्स टू एक्स हर जगह तो ये भी एक्स टू एक्स में टूट जाएगा, इसलिए हम थ्री एक्स कॉमन लिए, समझ तुम लोग आया, अब जो अंदर है वो लिख दे अंदर क्या है इसके बराबर कुछ पढ़े थे तो नहीं पढ़े थे तो सेम टू सेम लिख दे, अंदर मेरा क्या है कोट टू एक्स प्लस कोट एक्स, यही है ना, अब हम इसके बराबर सूत्र लेकिन पढ़े थे कोट ए प्लस बी बराबर सूत्र पढ़े हैं याद आ रहा है, टेन ए प्लस बी पढ़े थे टेन ए माइनस बी भी पढ़े थे कोट ए प्लस बी भी पढ़े थे और कोट ए माइनस बी भी पढ़े थे, जल्दी बता कोट ए माइनस बी बराबर क्या होगा, यहाँ ना कोट ए प्लस बी बराबर क्या होगा कोट ए प्लस बी पढ़े थे ना कोट ए प्लस बी बराबर, तो कोट ए प्लस बी बराबर हम क्या पढ़े थे पढ़े थे कोट ए इंटू कोट बी, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस और नीचे में कोट ए प्लस है तो प्लस और कोट बी का कोट बी, ये पढ़े थे तुम्हें देख ध्यान दे यहाँ पर प्लस में जो है ना प्लस वाला में यहाँ पर हम कोट बी को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, तुम्हें सूत्रों में इस तरह लिखा होगा कोट बी आगे लिखा होगा कोट ए कहाँ लिखा होगा पीछे कहाँ लिखा होगा, तो जोर में कोई दिक्कत ना है जोर में ए को आगे लिख दे या बी को पीछे लिख दे या बी को आगे लिख दे ए को पीछे लिख दे कोई प्रॉब्लम ना है, प्रॉब्लम है क्या यानी हम दो जोर तीन करें या तीन जोर दो करें जोर में कोई प्रॉब्लम ना है ना है ना, लेकिन घटा वाला प्रॉब्लम हो जाएगा ना होगा, अब दो घटा तीन करेंगे तो अलग आंसर आएगा तीन घटा दो करेंगे तो अलग आंसर आएगा आएगा ना, यानी घटा वाला तुम लोग सूत्र देख घटा वाला हम बी को आगे लिखेंगे देखा लिखा है ना, यानी इसमें किसी को भी आगे लिख को मतलब ना है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन घटा वाला फर्क पड़ जाएगा घटा वाला हमेशा आगे कौन रहता है बी कौन रहता है नीचे बी, तुम लोग को समझ आया तो चलिए ना सूत्र पर लगा दे तो लगा बोला कोट एक्स का कोट एक्स कोट टू एक्स का कोट टू एक्स माइनस का माइनस कोट का कोट लिख दिया ना, और नहीं यहाँ पर सूत्रवा ही लगा सूत्रवा लगाना है तो क्या हो जाएगा कोट का कोट ए ए क्या है एक्स यही है ना, तो कोट एक्स फिर इंटू इंटू कोट कोट बी बी क्या है टू एक्स माइनस का माइनस वन का वन नीचे क्या है कोट ए यानी कोट एक्स ना होगा प्लस का प्लस नीचे कोट बी यानी कोट टू एक्स कोट टू एक्स हो गया, अब यहाँ ध्यान दे तुम लोग अब वो वाला लिख दे कोट टू एक्स का कोट टू एक्स प्लस कोट एक्स का कोट एक्स लिख दिया ना, अब यहाँ ध्यान दे तुम लोग ये भी क्या है गुनाम इसके साथ गुनाम ना है ऐसे साथ ही क्या है गुनाम क्या है गुनाम है, अब देखिए बोला ये वाला है सेम टू सेम मिल रहा है कोट टू एक्स प्लस कोट एक्स तो कोट टू एक्स प्लस कोट एक्स, अब तुम लोगों ने बोलना कि यहाँ पर कोट टू एक्स आगे कोट एक्स पीछे जोर में कोई फर्क नहीं पड़ता है पड़ता है क्या, अब गुनाम ने है देखिए यहाँ पर गुनाम ने है तो यहाँ भी क्या है गुनाम क्या है तो गुनाम ऊपर नीचे कट जाएगा
नहीं कटेगा, कट गया सूत्रवार मिटा देते हैं अब हम, ठीक है ना। तो क्या मेरा बचा, मेरा बचा यहाँ पर कोट एक्स इंटू कोट टू एक्स, और देखें यहाँ पर माइनस का माइनस कोट एक्स का कोट एक्स कोट टू एक्स का कोट टू एक्स और माइनस माइनस प्लस वन का वन, सेम टू सेम है, कट गया तो क्या आया वन, यही लाना था, राइट हैंड साइड आ गया, अरे यही लाना है आगे राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया। इसका एक तरीका और बोलेगा तो एक तरीका सर बता देंगे, एक तरीका इसका और बनाने का है, समझ आ गया तुम लोग को, तुम लोग पहले छाप और तुम लोग स्क्रीन शॉट ले। चलिए यहाँ ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 लास्ट है, ठीक है ना। 23 ध्यान दे, यहाँ पर मात्र देखो सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है, ये देखो सब देखो है ना, मिल रहा है ना, इधर भी एगो इधर भी एगो इधर भी एगो है ना, सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है। देखें यहाँ पर तुम लोग को हम सूत्र पढ़ाए थे, 10 4x बराबर कुछ पढ़ाए थे, सूत्र में हम 10 4x बराबर कुछ नहीं लिखवाए थे, लिखवाए थे तुम लोग को मैक्सिमम हम लिखवाए थे कहाँ तक, तो 10 2x या 10 3x लिखवाए थे ना, कोट 2x या कोस 2x साइन 3x ये सब लिखवाए थे ना, यानी 2 वाला लिखवाए 3 वाला लिखवाए, लेकिन 4 वाला हम थोड़े लिखवाए थे, नहीं लिखवाए थे, यानी इसको हम 4 को बदल दें 2 में, कैसे बदल दें, कैसे बदलेंगे 2 में, तो ध्यान दें पहले लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, कौन ले रहा है लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड, तो 10 4x दे ले, क्या दे ले 10 तो 10 4x को हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम 10 4x बराबर नहीं पढ़ाए थे, हम 2x बराबर पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, तो 10 2 × 2x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, अरे 4x को 2 × 2x लिख सकते हैं, तो लिख दिए, अब सूत्र बन गया 10 2a बन गया, 10 2a इसको बोलेंगे, बन गया। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र लगा दे, सूत्र 10 2a बराबर क्या होता है, जल्दी बता तुम लोग, जल्दी बता, 2 10a / 1 माइनस 10² a होता है, होता है, चलो इस पर बैठा दो फटाक साथ, बैठाओ बैठा रहे हैं, 2 का 10 का 10 a एक यहाँ पर क्या है ये वाला, अरे 2a सूत्र में क्या है 2a, तो 2 के बाद जितना बचा सब a है ना, तो 2 के बाद जितना बचा क्या है a, यानी 2x लिख दिया ना, और नीचे क्या 1 का 1 माइनस का 10 का और स्क्वायर का और a, तो a देख 2 के बाद a, तो 2 के बाद a यानी 2x यही हुआ ना, फिर सूत्र बन गया देख 10 2x बराबर ना हो गया 10 2a बराबर, तो 10 2a x को बोलेंगे, नहीं बन गया फिर सूत्र, तो फिर बना दे, फिर क्या कर दे बना दे, तो बना तो 2 का 2 अब यहाँ 10 2a x को हम ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं a, तो 10 2a बराबर सूत्र होगा, चल लगा दे 2 का ऊपर में क्या बोल रहा है 2 का 2 10 का 10 अब एक यहाँ पर क्या है, तो देख 2a एक यहाँ पर क्या है x क्या है, तो x देंगे, क्या देंगे x बटा 1 माइनस 10² है, तो 1 माइनस 10² x ऊपर ला हो गया ना, नीचे पहुँच नीचे में भी बन देख बन रहा है 10 2x स्क्वायर को छोड़ दे, अभी स्क्वायर को अभी स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं 10 2x को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर रहे यहाँ रहे बात बराबर ही पड़ता है ना, पड़ता है ना, अरे 10² 2x यानी इसका मतलब क्या हुआ 10 2x × 10 2x यही हुआ ना, इसका मतलब अभी तो यही हो रहा है ना, तो देख यहाँ भी सूत्र बन गया स्क्वायर को अभी छोड़ 10 2x बन गया ना, तो अगर 1 का 1 माइनस का माइनस 10 2x बराबर क्या 2 10 a 1 माइनस 10² है यही ना होगा, तो 2 10 a एक यहाँ पर क्या x बटा 1 माइनस 10² a एक यहाँ पर क्या x और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कोई दिक्कत दे दिए, अब इसको खाली सोल्व कर क्या करेंगे करते हैं इसको सोल्व, देख यहाँ पर दो दुनी देख चार आ रहा है ना, दो दुनी इन्हें काट देना दोनों प्रेम है कहाँ पर है, तो दो दुनी 4 10x का 10x लिख दिए और क्या है नीचे क्या है 1 − 10² नीचे क्या है 1 − 10² x तो 1 − 10² x फिर नीचे में यह है तो इसको लिख रहा है ऐसे करके लिख रहा है तिरछा करके ठीक है ना, यहाँ डाले 1 का 1 माइनस का यहाँ थोड़ा लिख रहा है 1 का 1 माइनस का माइनस इसको स्क्वायर करते दो दूनी 4 हो जाएगा ऊपर हो जाएगा और 10² x होगा 10² x नीचे क्या होगा तो नीचे होगा 1 − 10² का होल यही ना होगा 1 − 10² x का होल स्क्वायर दोनों में स्क्वायर दे दिए अब बस सिर्फ सॉल्व कर ऊपर छोड़ दे क्योंकि ऊपर मेरा 4 10x है तो उसको क्या करेंगे ऊपर तो 4 10x आना ही है तो ऊपर छोड़ दे तो क्या हो जाएगा मेरा हो जाएगा 4 10x बटा 1 − 10² x यही होगा ना अब यहाँ पर इस तरह ऐसा तो हम थोड़ा तिरछा दे रहे हैं इसको दिखाने के लिए ठीक है ना अब यहाँ भिन्न का जोड़ होगा तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ कोई ना तो एक है दोनों का सेम क्या होगा तो यही होगा ना होगा यही होगा ना होगा अब एक इस में भागा देंगे तो यही आएगा इस में गुना करेंगे तो क्या होगा यही होगा यानी 1 − 10² x का
होल स्क्वायर होगा, और इससे से भागा देंगे तो एक दाम में खत्म, एक्सेस में गुना करेंगे तो यही लिखा जाएगा, लिखाएगा तो माइनस क्या, माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स हो गया। खाली आप सॉल्व करना है तुम लोग कितना सावधानी से सॉल्व करता है, ठीक है। अब यानी हंड्रेड तो फोर का फोर, टेन एक्स का टेन एक्स, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, या ये क्या है, ये क्या है, भाग में है, पलटी मारेंगे तो क्या होगा, गुना ना होगा, गुना में यानी वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स कहाँ जाएगा, ऊपर कहाँ जाएगा, तो वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कहाँ चल गया, ऊपर कहाँ चल गया, और ये वाला जो है सब आएगा कहाँ, नीचे कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो लगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या, ए स्क्वायर, अरे ए माइनस बी के होल स्क्वायर ना हो रहा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए स्क्वायर है फिर स्क्वायर देंगे तो फोर हो जाएगा, होगा एक्स का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अथी माइनस क्या, माइनस टू ए, ए क्या है, एक है ना, तो ए बी, तो बी मेरा क्या है, एक्स टेन स्क्वायर एक्स, यही मेरा बी है, बी मेरा क्या है, यही है ए आई बी ना, वो टेन स्क्वायर एक्स दे दिए, इसको सॉल्व कर दिए ना, कहाँ पर कर रहे थे, हाँ इसी को ना कर रहे थे ना, इसको सॉल्व कर रहे थे ना, इसको कर रहे थे, कहते पलटी मारे ना, तो पलटी मारे कहाँ गया, ऊपर कहाँ गया, ये आया नीचे, तो इसको हम बड़ा करके लिख दिए ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कर दिए, और माइनस का माइनस फोर का और टेन स्क्वायर एक्स का टेन स्क्वायर एक्स हो गया, जब फोर टेन एक्स वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, फोर टेन एक्स वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, खाली एगो स्क्वायर खत्म होगा, नीचे कट जाएगा, कैसे कटेगा तो ध्यान दे, क्योंकि यहाँ पावर है, यहाँ पावर नहीं ना, यानी एगो नीचे कट जाएगा, कैसे कटेगा तो देखो आगे बढ़ा इसको, तो फोर टेन एक्स का फोर टेन एक्स, वन का वन माइनस का माइनस, टेन स्क्वायर एक्स का टेन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिए, नीचे मेरा क्या है, तो नीचे मेरा है वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, क्या है वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, यही है ना, और यहाँ पर मेरा क्या है, गुना में है, किस में है, गुना में है, तो यहाँ पर ब्रैकेट दे देना है, क्योंकि गुना मतलब ब्रैकेट, यही होता है ना, वन का वन प्लस का प्लस फोर सॉरी टेन फोर एक्स, टेन फोर एक्स का टेन फोर एक्स, अब यहाँ दे दो एक का ना हो रहा है, दो एक का दो और माइनस का माइनस और दो एक का दो, और टेन स्क्वायर एक्स का टेन स्क्वायर एक्स और माइनस का माइनस और फोर टेन स्क्वायर एक्स का फोर टेन स्क्वायर एक्स, अब यहाँ ध्यान दे सेम टू सेम मिल रहा है ना, मिल रहा है, यहाँ पर यह दो गो यहाँ पर है एक गो, तो एक गो कट जाएगा ना कटेगा, तो एक गो खलास क्या हुआ, एगो खलास हो गया, यहाँ दो गो यहाँ पर एगो था यहाँ दो गो था, तो एगो खलास हो गया, एगो बच गया ना, अब जो बचा वो लिख दे, ऊपर क्या बचा है, ऊपर मेरा बचा है फोर टेन एक्स, फोर टेन एक्स, और क्या बचा है वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, यही बचा, नीचे क्या बचा, तो नीचे लाना हमको वन लाना है, तो वन पहले लिख दे, वन है आगे है ना, फिर बोल रहा है माइनस छोर टेन स्क्वायर लिख, तो देखे यहाँ पर भी स्क्वायर है, माइनस में टू टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ माइनस में फोर टेन स्क्वायर एक्स, तो माइनस में दो गो माइनस में चार गो माइनस में छः गो हो गया, तो लिख दिए माइनस में छः टेन स्क्वायर एक्स लिख दिए, फिर बोल रहा है यहाँ पर प्लस टेन फोर एक्स लाना है, तो प्लस टेन फोर एक्स है इसमें कहाँ पर है, हाँ यहाँ है ना प्लस टेन फोर एक्स है ना, तो इसको लिख देते लास्ट में आ गया, देख तो आ गया ना, और क्यों बच्चा है, तो राइट हैंड साइड आ गया ना, तो हो गया प्रूफ, समझा तुम लोग, इसमें कोई दम नहीं था, खाली इसमें कैलकुलेशन में दम था, ना था कैलकुलेशन में दम, खाली कैलकुलेशन सावधानी पूर्वक करना है बस, हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड है, क्या हुआ प्रूफ, समझा ना, क्या कुछ किए यहाँ से, खाली हम सूत्र लगाए, सूत्र लगाने के बाद खाली हम कैलकुलेशन पर हम सावधानी पूर्वक किए, समझा गया ना, उस प्रकार इसमें भी करना है, उसी प्रकार उसमें भी करना है, चलिए यहाँ ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर कितना 24, क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी, तो इसको भी सूत्र कर, कोस फोर एक्स बराबर हम थोड़े पढ़े थे, हम कह रहे थे कोस टू एक्स बराबर या कोस थ्री एक्स बराबर, यही पढ़े थे, तो कोस फोर पहले लेफ्ट हैंड साइड ले, लेफ्ट हैंड, तो कोस फोर एक्स को हम लिख सकते हैं कोस टू इंटू टू एक्स लिख सकते हैं, आज धनी तुम लोग बता, कोस टू ए बराबर हम तुम लोग को चार सूत्र बताए थे, याद आ रहा है, कोस टू ए बराबर हम तुम लोग को कितना सूत्र बताए थे, देखिए यहाँ पर कोस टू ए बराबर बताए थे, पहला सूत्र हम बताए थे तुम लोग को कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा सूत्र तुम लोग को बताए थे कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, तीसरा बताए थे वन माइनस कोस वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और चौथा बताए थे यहाँ ढंड क्या, और टू नहीं दिए थे वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, और चौथा जो होगा वो क्या होगा, तो होगा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, चार सूत्र बताए थे, अब बात बताया कि चार वो टेबलेट है कोस टू बराबर चार टेबलेट, कौन टेबलेट यहाँ देना है, कौन टेबलेट यहाँ
तो कौन टेबलेट दे जल्दी बता। तो यहाँ पर इधर बराबर की साइड देखना है कि क्या हमको सिद्ध करना है, तो वो टेबलेट देंगे। देख यहाँ बराबर के इधर क्या है, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही है ना। तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स ना, आठ को भी छोड़, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो देख इसमें आ रहा है वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ दो है तो वो आठ बन जाएगा बाद में अपने, क्या सब दे सीम रहेगा तो फिर से यार सिद्ध क्या करना है। तो यानी हमको खुद सूत्र लेना पड़ेगा, ये वाला कौन लेना पड़ेगा, समझ गए तुम लोग को, तो यही लगाते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कोस टू ए बराबर वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर ए लिखे तो सब रो ए कर देना, क्या कर देंगे ए, क्या कर देंगे ए। तो यहाँ पर जान दें यहाँ टू के बाद क्या है ए, क्या है, तो यहाँ टू के बाद क्या है ए, ए मेरा क्या हो गया टू एक्स, क्या हो गया, तो यहाँ पर क्या देंगे टू एक्स देंगे, हो गया, बैठा दें सूत्र पर। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ ध्यान दें, अब हम यहाँ पर मेरा एक सूत्र बन रहा है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ तुम ध्यान से देख, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, वन का वन माइनस का माइनस टू का टू स्क्वायर है ना, तो इसको हम स्क्वायर को इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह करके ले सकते हैं ना, ना ले सकते हैं, तो साइन टू ए सूत्र बन गया, साइन टू ए बराबर तुम लोग क्या सूत्र लिखाए थे, तो साइन टू ए बराबर तुम लोग को लिखाए थे टू साइन ए इंटू कोस ए, और एक सूत्र लिखाए थे तुम लोग को टू टेन ए बटा वन प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये हम कहा लगाएंगे, यहाँ थोड़े को मतलब है, यहाँ ये लाना है क्या, तो इन्हें लगाएंगे, लाना हमको साइन ए कोस ए, देख साइन ए कोस ए आ रहा है, यानी वही लाना है, तो वो लगा दे ऊपर वाला, तो लगा दे, तो वन का वन माइनस का माइनस टू का टू, अब साइन टू ए बराबर टू साइन ए इंटू कोस ए, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर मेरा हो जाएगा टू साइन ए ए ना, यहाँ पर एक्स है ना, एक्स इंटू कोस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, हो गया, बस देखा हो गया, आ गया आ गया, देखते हो ध्यान से, वन के वन माइनस के माइनस दो का दो, और यहाँ पर गुने है ना, दो का सा करेंगे तो चार, साइन का सा करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स, कोस सा करेंगे तो कोस स्क्वायर एक्स, हो गया चार दूनी आठ, चार दूनी आठ ना होगा, और साइन स्क्वायर एक्स का साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स का, बस आ गया, यही लाना था, बराबर राइट हैंड साइड आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, बस प्रूव हो गया, समझा तुम लोग। चलो अगला देख क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 20 आपने से बना, जरिए आपने सिला बना तो अपने से देखोगे नहीं हिलेगा, अब बोलो हिल जाएगा। चल देख क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ कोस सिक्स है, हम कोस सिक्स बराबर कोस सिक्स एक्स बराबर सूत्र नहीं पढ़े थे, हम पढ़े थे कोस टू ए पढ़े थे या कोस थ्री पढ़े थे, सिक्स पढ़े थे, पहले इसको टू में बदल दे, तो इसको लिख सकते हैं हम इस तरह, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले, लेफ्ट हैंड साइड, तो कोस सिक्स एक्स यही है ना, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, कोस टू को बाहर कर दे और थ्री एक्स को अंदर कर दे, लिख सकते हैं, लिख दिए। अब देख कोस टू ए, इसको हम ए बोल रहे हैं, जो अंदर क्या है उसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो कोस टू ए बराबर सूत्र क्या होता है जल्दी बता दे, तो कोस टू ए बराबर तुमको सूत्र पढ़ाए थे हम, चार सूत्र, कितना सूत्र पढ़ाए थे, चार सूत्र पढ़ाए थे, एक पढ़ाए थे कोस स्क्वायर एक्स, हम बार बार सूत्र इसलिए सब लिख रहे हैं कि तुम लोग को याद हो कम से कम, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक पढ़ाए थे तुम लोग को टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, एक तुम लोग को पढ़ाए थे हम वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, और एक तुम लोग को पढ़ाए थे हम वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। आप बात रहा कि कोस टू ए बराबर मेरा चार वो टेबलेट है, यहाँ पर हम ए लिखते हैं, यहाँ एक्स लिख देते हैं, ए समझना क्या समझना, अरे यहाँ ये लिखे थे यहाँ भी एवन होगा, हम एक्स लिख दिए, ठीक है चलो यहाँ भी एक्स से कर देते हैं, अब तो सही हो गया सब ना, हो गया सही, चलिए यहाँ ध्यान दे, तो चार टेबलेट है कोस टू एक्स बराबर, कितना टेबलेट है चार गो, अब लगाना कौन टेबलेट है, तो देखिए यहाँ पर अब बराबर के पार देखेंगे क्या है, तो टेबलेट लगाएंगे बराबर के जो पार रहेगा वो टेबलेट लगाएंगे, तो चाहे यहाँ समझ बराबर के पार यहाँ लास्ट में तुम लोग देख, लास्ट में तुम लोग देख क्या है कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन है ना, तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन आ रहा है, यानी यहाँ से पहचान गए हम कि टेबलेट खाना है टेबलेट, चल खिला दे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर लगा रहे हैं ये वाला सूत्र लगा रहे हैं टू का टू कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, अब देना एक्स क्या देना है, तो एक्स मेरा क्या है दो के बाद, यही है ना, तो यहाँ दो के बाद क्या है तीन है, यानी एक्स मेरा क्या है थ्री एक्स, क्या है थ्री एक्स है, और माइनस वन का माइनस वन हो गया। अब देख यहाँ पर इसका एक्स सूत्र बन गया, टू का टू लिख दे, और को इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देख कोस थ्री एक्स को हम इस तरह लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख दिए माइनस वन का माइनस, अब देख कोस थ्री एक्स बराबर सूत्र होता है, कोस थ्री ए पढ़ाए थे तुम लोग को, बता कोस थ्री ए बराबर क्या पढ़ाए तुम लोग पढ़ाए थे जल्दी बता दे, कोस थ्री ए बराबर तुम लोग पढ़ाए थे फोर कोस क्यू ए, यहीं पढ़ाए थे माइनस थ्री कोस ए, इधर दिखाई दे रहा है ना, दिखाई देगा तो फिर समझ में आएगा,
टोटल दिखाया जा रहा है। चल देखें कोस 3a बराबर 4 कोस क्यू ए माइनस 3 कोस ए पढ़ाए थे, चल सूत्र लगा देते हैं। तो 2 का 2 कोस 3a के बराबर क्या लिखेंगे, लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे 4 कोस का कोस क्यू का और ए, तो 3 के बाद ए होता है, तो यहाँ पर 3 के बाद क्या है एक्स है, तो यहाँ पर एक्स दे यही ना होगा, माइनस का माइनस 3 का 3 कोस का कोस और ए क्या है, ए क्या है यहाँ पर एक्स क्या है एक्स लिख दिए, और स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का माइनस 1 का 1 अब कर दे, इसको बोल ए इसको बोल बी, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर ना हो गया, तो सिर्फ सिर्फ सोल्व करना है, तो 2 का 2 कर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर यानी 4 कोस क्यू एक्स का होल स्क्वायर यही ना होगा, प्लस बी स्क्वायर यानी 3 कोस एक्स का होल स्क्वायर। सूत्र बताया कि नहीं, अरे ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी होता है, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए, ए मेरा क्या है 4 कोस क्यू एक्स 2 ए बी, हाँ तुम लोग गधा का क्या जो है ना माइनस 2 ए और बी देना है, क्या देना है तुम लोग गधा का सूत्र याद ना है, गधा का बुतर वाला सूत्र भूल गया ये लोग, हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी हो गया, और फिर लास्ट माइनस 1 का माइनस 1 लिख दिया। अब देख यहाँ पर 2 का 2 अब यहाँ पर कर 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 16 और कोस का कोस 3 3 पावर है, फिर 2 पावर आ जाएगा तो 3 दूनी 6 कितना पावर हो गया, यहाँ 3 2 5 नहीं कर देना पावर गुना हो रहा है, 3 दूनी 6 पावर एक्स का एक्स यही हुआ ना, अब यहाँ ध्यान दे देख आ गया 32 16 दूनी 32 आ रहा है घेर सब आ जाएगा, प्लस का प्लस 3 दूनी यहाँ नहीं 3 यहाँ पर क्या है 3 3 तिहाई पावर है ना 3 तिहाई 9 कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर एक्स माइनस का माइनस अब यहाँ 2 4 दूनी 8 और यहाँ पर क्या है पहले यहाँ ध्यान दे ई भी गुना में तो 4 दूनी और 8 तिया 24 कितना हुआ 24 और यहाँ कोस पावर 3 यहाँ कोस पावर 1 कुछ नहीं आता क्या है ना, तो 3 आ रहा कितना हो गया कोस पावर 4 ना हो गया, और एक्स का एक्स और माइनस 1 का माइनस 1 अब दूसरे खाली गुना कर दे सब में तो क्या हो गया 16 दूनी 48 और कोस 6 एक्स का 16 दूनी 32 हम भी टेबल पढ़ने 32 हो गया, और 6 का 6 एक्स का एक्स प्लस का 9 दूनी 18 कोस स्क्वायर एक्स का कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 24 दूनी 48 24 दूनी 48 कोस 4 एक्स का कोस 4 एक्स और लास्ट माइनस 1 का माइनस 1 यही लाना था 32 कोस 6 एक्स तो 32 कोस 6 एक्स आप बोलेगा यहाँ पर ईला पहले तो पहले इसको लिख दे कोई दिक्कत ये देख बाद में है तो इसको बाद में लिख देंगे माइनस 1 का माइनस 1 चलो लिख देते हैं तो मेरा क्या है 32 कोस 6 एक्स ये पहले है तो इसको पहले लिख देंगे चिन्ह सहित है ना आ बाद में है तो बाद में लिख दिए 18 कोस स्क्वायर एक्स और माइनस 1 का माइनस 1 यही प्रूव करना था बराबर राइट हैंड साइड तो मेरा क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया चैप्टर हुआ ही खल्लास क्या हुआ चैप्टर ही खल्लास समझा तुम लोग अब अपने शुरू से अंत तक बन जाएगा अपने से अब तुम लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दसवां वाला तुम जो है वो 11 को बता कि इस 11 के पढ़ाई हो रहा है ठीक है ना और एक तो मेरा नया चैनल है जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर नया चैनल है जगदेव ब्लॉग JAGDEV जगदेव ब्लॉग BLOG ठीक है ना मेरा चैनल है मेरा फोटो देख के सब्सक्राइब करना ठीक है ना जगदेव ब्लॉग जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले चलो जल्दी छाप तुम लोग स्क्रीनशॉट ले और लिख तुम लोग भी छाप